चलिए एक और टॉप रैंकर से मिलते हैं जिनकी निमसेट 2022 में AIR 47 है, बाला श्रीनाथ से जो कि हैदराबाद से हैं। तो बाला, सबसे पहले आपको इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके पेरेंट्स को। और अच्छी बात यह कि आप, क्योंकि आपने भोपाल में भी पढ़ाई की है, ऑनलाइन घर पर रहकर भी पढ़ाई की है, तो आपके दोनों एक्सपीरियंस हैं। तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो बाला, आपकी जो सक्सेस जर्नी है, देखो हर बच्चा क्योंकि जो टॉप रैंकर होता है उसकी सक्सेस जर्नी को जानना चाहता है, सुनना चाहता है। आपने काफी मेहनत की, भोपाल में भी रहे आप, आपने सब तरह के एक्सपीरियंस लिए, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपनी सक्सेस जर्नी को बताओ कि किस तरह से आपने निमसेट की प्रिपरेशन की और इस रैंक तक किस तरह से आप पहुंचे। सर पहले तो ये, मैं जो बंदा हूँ, मैं डिग्री लेके एमसीए जिंदगी में कुछ भी कभी नहीं पढ़ना बोल के सोचा था। मैं एमसीए भी नहीं पढ़ना, कभी भी किस कॉलेज से भी एमसीए नहीं पढ़ना बोल के सोचा था मैं। मगर मैं 2021 में देने के बाद मेरे को एमसीए ही करना, वो भी एनआईटी तिरुची में से करना बोल के मेरा मन लगा। मेरा क्या बोलते हैं, एनआईटी तिरुची एक अल्टीमेट गोल था सर मेरे, एनआईटी तिरुची में अल्टीमेट गोल था। और वही मिलेगा आपको, वही मिलेगा सर। उसके उसके लिए तो मैं मेरे पेनल्टीमेट मंथ्स पे थोड़ा बहुत एफर्ट किया था, उसके लिए मेरा एफर्ट बहुत वर्क हार्ड किया था मैं। तो मैं जब नीचे 2021 में दिया था पेपर, उसमें मेरे रैंक 4258 आया था सर। तो मैं मेरा जब क्या बोलते हैं, मेरा सेमिस्टर एग्जाम और निमसेट के एग्जाम दो कोइंसाइड हो गए थे। तो मुझे निमसेट मेरे को पता है, मगर निमसेट 2021 कैसे तो भी निकलने नहीं निकलने वाला बोल के मुझे पता है, मगर आई वॉन्ट टू फेल बेटर इन निमसेट 2021। सो बिकॉज देन आई विल बी एमिंग फॉर ए गुड NIT, सो एंड आई कैन एनालाइज माई वॉट इज माई स्टैट्स सो दैट आई कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। सो पहले मैं क्या किया, निमसेट 2021 देने के लिए मेरा सेमिस्टर एग्जाम फाइनल सेमिस्टर एग्जाम में छोड़ दिया सर उसे, फाइनल सेमिस्टर एग्जाम छोड़ के निमसेट 2021 दिया। उसमें रैंक मेरा कैसे तो बिगड़ते बोल के मैं चला गया, मैं समझ गया मैं कुछ था उससे। और फिर मैंने स्टार्ट किया सर, मैं कैसे तो अभी इम्पीडेंस कोचिंग में ज्वाइन करना बोल के एक 3 महीने पहले से मैं पूरा प्लान कर लिया, घर पे बोल दिया इतने पैसे रेडी कर लो, मैं इम्पीडेंस कोचिंग ज्वाइन करने वाला हूँ, आप ये मेरे जो पूरे रेडी करके रख दो बोल के मैं ऐसा घर में बता दिया। दो तीन महीने का पहले से प्रिपेयर हो गया इम्पीडेंस कोचिंग में ज्वाइन होना बोल कैसे तो अभी। तो अब आती है निमसेट 2021 की, 2022 की सर, ये मैं प्रिपरेशन अगस्त 29 से स्टार्ट किया था सर। तो अगस्त 29 से मैं भोपाल आया था, अगस्त 29 में मेरे जो बंदा है, मेरा घर थोड़ा बहुत छोटा है तो मुझे घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो इस कारण से मैं ऑफलाइन स्टडी चूज कर लिया था। मगर अनफॉर्चुनेटली मेरा हेल्थ इश्यूज कुछ आ गए थे सर, उस कारण से मैं वन एंड हाफ मंथ स्टे करके फिर रिटर्न आ गया था, घर को रिटर्न आ गया था। फिर एटमोस्ट वन मंथ तक मैं ट्रीटमेंट पे चल रहा मेरा। ट्रीटमेंट होने के बाद फिर मैं कम बैक किया, पूरा जो सिलेबस मेरा छूट गया था वो पूरा कवर कर लिया था मैं। कवर करने के बाद अब जब भी अपनी फुल लेंथ मॉक टेस्ट चालू हो गए थे, उससे शुरू कर दिया, देने शुरू कर दिया, जैसे कि मेरा पूरा कवर होने के बाद स्टार्ट कर दिया मिन से 2028 के लिए असली प्रिपरेशन। तो जब मेरे पहले मॉक की कुछ है 500 प्लस स्कोर आया था, जैसे ही मेरा स्कोर इंप्रूव करने के लिए एक कंसिस्टेंसी रखी, जो पेपर हार्ड हो जो पेपर ईजी हो मुझे कैसे फिट से 600 तक कैसे तो भी आना बोलते, मैं ऐसा एक माइंडसेट रख लिया था। कभी भी हार्ड हुआ तो पेपर कुछ टफ हुआ तो वो हिसाब से मेरा मार्क्स ऐसा आ जाते। बिल्कुल सही बात बोले साईनाथ, मुझे अच्छे से याद है कि आप जब भोपाल आए थे 1.5 महीने बाद आपको क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम आ गई थी, और आप जब घर गए थे और उसके बाद आपने 1 महीने तक की फिजिकल प्रॉब्लम चलती रही। और मैं आप सब बच्चों को बोलना चाहूंगा जो भी लिस्टनर सुन रहे हैं कि साईनाथ के साथ आप, सबसे पहले तो आपकी 4000 के आसपास रैंक थी, सीधे सीधे 100 का डिवाइड हुआ, यानी अब आप 47 रैंक पर पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कई लोग 4000-5000 रैंक वाले जब ड्रॉप लेने का सोचते हैं तो मन में डर होता है, पर आपके अंदर डर नहीं था। और मुझे लगता है आपने पिछले साल जब 21 में दिया था तो एक्चुअल में प्रिपरेशन की नहीं थी। जब तक हम 100% प्रिपरेशन नहीं करें तो रिजल्ट की उम्मीद करना भी गलत है।
पर फिर और मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है बीच में क्या होगा, साईनाथ के साथ हेल्थ इशू बहुत ज्यादा हुआ था, एक महीने तक लगभग बेड रेस्ट पे रहने के बाद आपका कम बैक करना, पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत मायने रखती है। निगेटिव नहीं होने देना अपने आप को। और फिर आपने घर पे इतने अच्छे से प्रिपरेशन की, रेगुलर क्लास आप अटेंड करते थे, टेस्ट पेपर देते थे। अच्छा, टेस्ट पेपर के एनालिसिस को लेके आप जरूर बताओ, कई बार बच्चे टेस्ट पेपर के एनालिसिस को लेके सीरियस नहीं होते, वो एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करना जरूरी है क्योंकि बच्चे जो आपने देखा कई बच्चे टेस्ट ही छोड़ देते हैं, फिर वो बाद में जब रिजल्ट बिगड़ता है जब लगता है गलती हो गई, तो आप क्या कहना चाहोगे? सर, ये जो टेस्ट पेपर की एनालिसिस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर इस प्रिपरेशन में। मेरी स्ट्रेटेजी बताना है तो मेरे टेस्ट कैसे देता था बोले तो, मेरा टेस्ट अगर एक टेस्ट भी छूट गया तो बाई चांस कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह से कुछ टेस्ट छूट गया तो मैं कौन सा टेस्ट छूट गया वो टेस्ट दे के फिर उसका एनालिसिस करके उसके अगले टेस्ट दे सकता था मैं। कोई ऐसी डायरेक्ट मैं एक टेस्ट छोड़ दे के और अगले टेस्ट नहीं देता था मैं। ये क्या बोलता बोले तो, एक टेस्ट में जो एनालिसिस करते हैं ना सर, वो नेक्स्ट टेस्ट में देने के लिए कुछ क्या बोलते हैं उसके एप्लीकेशन यूज हो जाते थे। वो आईसी ऐसा एक टेस्ट के एप्लीकेशन दूसरे टेस्ट में यूज होते और एक टेस्ट के एप्लीकेशन और फर्स्ट टेस्ट के एप्लीकेशन दूसरे टेस्ट में यूज होते। आईसी पूरे 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 टोटल 68 अपने कंप्यूटर से 68 मॉक टेस्ट पूरा एनालिसिस करने के बाद वो एप्लीकेशन में निमसेट 2020 एक्चुअल पेपर में एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया सर, कुछ भी नहीं किया। मैं आपको एक चीज बता दूं बोला तो, जून में एक प्रिपरेशन भी नहीं किया था सर, कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। जो आप 68 मार्क्स दिए थे उसके एनालिसिस वजह से मैं 47 रैंक आई सर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा साईनाथ, आपके अगर पेरेंट्स हो तो मैं चाहूंगा कि वो भी इस सेशन को मैं कुछ बोलना चाहे तो जरूर बुलाइए उनको। सर, आई वांट टू डेडिकेट दिस माय सक्सेस टू माय पेरेंट्स एंड एज वेल एज माय गवर्नमेंट हाई स्कूल टीचर्स सर, दे रियली मोटिवेटेड हाई सर। वेरी गुड, पेरेंट्स का सपोर्ट जो होता है वो बहुत हेल्प करता है कहीं ना कहीं, और अगर पेरेंट्स का अच्छा एक सपोर्ट है पॉजिटिव, या आपके स्कूल टीचर्स का, फ्रेंड्स का, तो वो एक गाइडेंस तो है ही, पर एक मोटिवेशन वहां से भी कहीं ना कहीं मिलता है। यस सर, मैं इंपीडेंस में पढ़ता था मेरी कॉम्पिटिशन मेरे आस पास के बच्चे से होती थी, जैसे कि राधेश्याम अंबुरे बोल के मेरी फ्रेंड है, AR30 है उसके साथ, और तुषार गुप्ता बोल के एक फ्रेंड है उसके साथ, विद्यासागर बोल के उसके साथ, तो मेरे आसपास फ्रेंड्स से मेरे कंपटीशन हो जाते थे। मगर घर में आने के बाद मेरी कंपटीशन जो है ना मेरे हमारे पापा से होती थी। okay. मैं कितना एफर्ट दे रहा हूँ मैं बोले तो हमारे पापा बहुत एफर्ट करते थे मुझे पढ़ाने के लिए, उन्होंने काम करके पैसे कमा के मुझे पढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट करते, उनसे भी ज्यादा एफर्ट करना बोल के मेरा मोटिवेशन ऐसा रहता था घर पे रहते। ओके, देखो बहुत अच्छी बात है, और आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि कल के दिन जब आप अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे, अच्छा जॉब करेंगे, तो जो आज आपका पेरेंट्स का सपोर्ट है, कल के दिन आपको भी उनको इसी तरह से सपोर्ट करना है लॉन्ग लाइफ, और इस चीज को कभी भूलना नहीं है। यस सर, कभी नहीं भूलना। एक मिनट जी, फादर उनके नाम जी पागा है सर। जी नमस्कार सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका बेटा बहुत ही प्यारा है क्योंकि मैं तो साईनाथ के साथ भोपाल में रहा हूं, तो साईनाथ ने बताया था जब भी, और आपने उसको काफी सपोर्ट किया अपने जितना आपके लेवल पे हो सकता था, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने बच्चे के लिए जो बोलना चाहे मैं चाहूंगा जरूर आप बोलिए उसके लिए कुछ, जो आपको लगता है कि आपके बच्चे में क्या क्वालिटी थी, क्योंकि इसको एक तो पहले हेल्थ इशू आया था, उसके बाद कमबैक करना, और अभी बेटे ने बताया कि पापा मेरे साथ बैठते थे और वो भी उसी तरह से मेहनत करते थे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपको क्या बोलना चाहेंगे आप? बच्चा, मैं जितनी मेहनत करने के तो मैं तैयार है सर, अच्छा और अच्छा तो दुनिया में अच्छा नाम कमाना बोल के उन्हें कमा के देना बोलते थे, अपन हास नहीं था, अच्छा रैंक आके अच्छा पढ़ के उन्हें लाइफ सेटल होना, अपन बच्चों को फायदा करे, लाइफ सेटल कर लिया तो अपन खुशी है, अपना मेहनत करके अपन जिंदगी भर मेहनत अपन लाइफ में अपन मेहनत से होगा लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट बोल के नहीं है सर, ऐसा हालत तो अपन बच्चों को नहीं आना जी, मैं सोचने का एक ही बात है सर, बच्चों का लाइफ तो भी कम से कम लाइफ एंजॉयमेंट रहना, कौन सा भी एक लाइफ सेटलमेंट होना लाइफ में, अच्छा जॉब मिलना, लाइफ अच्छा सेटल होना बोल के सोचने का हमारा है।
जी 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 बिल्कुल सही बात बोली आपने। अपन अपन जो मेहनत करे अपना मेहनत तो उन लोगों करना होता नहीं कर सकते आज का बच्चा लोग कोई भी अपन जो भी कितने भी अपन जो भागत रहने के टाइम तक अपन मेहनत कर लेना बच्चों लोग लाइफ खड़ा कर लेना बोलते हमारा जी जी सोचेगा जी बिल्कुल सही बोला आपने बहुत अच्छी बात है एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक यू सर थैंक यू धन्यवाद तो साईनाथ आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को फेस किया है तो क्या आपका मैसेज होगा उनके लिए सर मैं जब मैं इम्पीडेंस गुरुकुल में आया था थोड़े बच्चे थे सर क्या बोलते ऑलरेडी उन लोग निमसे 2021 दे थोड़े लोग क्वालिफाई हुए थे थोड़े लोग एलिजिबल नहीं हुए थे सीट नहीं कर पाए थे सीट उसके उनको सीट अलॉट नहीं हुआ था तो मैं दोनों की एक्सपीरियंस लिया था सर मैं एक क्वालिफाइड स्टूडेंट एक अनक्वालिफाइड स्टूडेंट का एक्सपीरियंस लिया था मैं जो जो मिस्टेक्स दो लोग करे ना वो मिस्टेक्स को मैं ये नहीं करना बोल के मैं अलर्ट रहता था पूरी मेरे प्रिपरेशन में जो मिस्टेक्स है ना वो बिल्कुल नहीं करना मैं उन लोगों की स्ट्रैटेजी में उन्होंने कैसे तभी पढ़े मुझे नहीं होना मुझे जो जो मिस्टेक्स उनकी रैंक बिगाड़ी ना वो मिस्टेक्स मैं नहीं करना उस और वो मिस्टेक्स मैं करने से मेरे रैंक भी बिगाड़ती तो वो मिस्टेक्स तो पहले मैं कैसे तो भी नहीं करना बोल के मैं अलर्ट रहा था मेरी पूरी प्रिपरेशन में ये चीज ध्यान में रखे थे चलो वह समय तो मैं स्टूडेंट्स के लिए एक टिप देना था ये कि पहला चीज एक प्रॉपर माइंडसेट को तैयार करना सर स्टूडेंट्स को हर एक स्टूडेंट को जो अपने अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग ड्रीम से उसका वर्कआउट होना चाहिए सर मुझे तो और एक कभी भी एक टॉपर की स्ट्रैटेजी में उन्हें ऐसे किया उन्हें 4 बजे उठ के पढ़ता था 5 बजे उठ के पढ़ता था ये बिल्कुल नहीं करना सर फॉलो नहीं करना आप क्या बोलते एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लो आपकी मेहनत तो क्या बोलते कितनी मेहनत जरूरत है उत्ता में उससे एक एक गुना ज्यादा ही दियो और एक जो मिस्टेक वो करे तो आप उनसे थोड़ा सीख के वो नहीं करना बोल के माइंड में रख लेंगे सर बहुत अच्छी बात बोली साईनाथ आपने क्या होता है कि हर एक का अपना तरीका होता है पढ़ने का कोई सुबह उठ के पढ़ता है कोई लेट नाइट पढ़ता है कोई दिन में पढ़ता है कोई 1 घंटे में वो पढ़ लेता है जो कोई 4 घंटे में नहीं पढ़ता आप अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हो और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बाई चांस किसी की रैंक नहीं है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो वीक है पर उससे जो चीजें सीख सकते थे आपने वो चीजें सीखी और आपने समझ लिया कि ये गलती तो मुझे नहीं करनी क्योंकि अगर ये गलती करेंगे तो जो वो है वही हम हो जाएंगे और ये बहुत यूनिक बात आपने बच्चों से सीखी और उसका देखो आपको फायदा भी मिला ऑल इंडिया 47 रैंक में तो मैं एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा बेटा ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर और एक बात एक बताना है सर मेरे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स आजकल यूट्यूब पे बहुत सर्च करते रहते सर उनके स्कोर कितना है उन्हें मैथ्स में कितने करे उन रीजनिंग में कितने करे बोल के वो चीज सर्च करके उन लोगों से पता कर लेके वो चीज अंदाजा रख लेते सर एक एस्टिमेशन रख लेते ये चीज इतना करे तो ये कॉलेज आता मैथ्स में इतना करे तो ये कॉलेज आता ये बिल्कुल नहीं करना सर मैं भी ये गलती की अगर मैं क्या बोलते हैं एनआईटी तिरुची के लिए मैथ्स में 40 क्वेश्चंस कर लेना 40 क्वेश्चंस कर लिए तो 40 के टेट भी करेक्ट हुआ तो मेरा अच्छा हो जाता बोल के मैं एक दूसरे चीज पे गया था ये बिल्कुल गलती है सर ये मत नहीं करना सर ये तो कंपलसरी नहीं करना जो आप क्या बोलते इस बार निंजा 2020 बहुत ईजी था पेपर अगली बार कैसे रहते अपने को नहीं मालूम उसके अकॉर्डिंग से अपना परफॉर्मेंस रहेगा मगर पिछले साल इतने क्वेश्चन सॉल्व किए अपन भी ये साल इतने क्वेश्चन सॉल्व करना बोलते ऐसा नहीं करना वो गलती से मैं 3 क्वेश्चन मैथ्स में छोड़ दिया सर और 3 क्वेश्चन की वजह से मुझे रैंक और आपकी रैंक और 47 की जगह 20 या 10 की रैंक में होती बिल्कुल सही बात है मैथ्स में आपका नेट स्कोर कितना था कई बच्चे जानना चाहते हैं मेरे स्कोर 704 सर आउट ऑफ 994 वेरी गुड चलो बेटा कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू सर